नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की विशेष ताजा खबरों में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है, कैसे मची हुई है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। उससे पहले दर्शकों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इलेक्शन, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ताजा अपडेट, ऐसी खबरें आपको मिलेंगी जो गहराई के अंदर छिपी हुई है। यानी हम ऐसी खबर निकालकर आपको देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर 4 सीटें, रोहतक, सोनीपत, हिसार, ये सीटें ऐसी है जहां पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इनको टिकट मिल जाए, कैसे न कैसे टिकट मिल जाए। हरियाणा ही नहीं, देश भर के अंदर काफी राज्यों के अंदर काफी नेता, बंगाल के अंदर कुछ नेता TMC छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूरे देश भर के अंदर काफी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि इन नेताओं को ईडी का, CBI का डर दिखाकर जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है और ऊपर से उन्हीं नेताओं को भाजपा टिकट भी दे रही है। क्योंकि मेरे व्यूअर हरियाणा से है तो मैं हरियाणा का एग्जांपल देना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर पलटू राम के नाम से फेमस नेता डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्हें बीजेपी ने सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, वो कांग्रेस छोड़कर कभी INLD में शामिल होते हैं, कभी JGP में शामिल होते हैं, तो कभी आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं और फिर से मोदी लहर के अंदर अपनी नैया पार लगाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में मेरा एक सवाल है, अशोक तंवर का काफी रुतबा है, ऐसी नहीं है कि अशोक तंवर कोई भी 0 पॉइंट के नेता हो, उनका काफी रुतबा है, उनका काफी वोट बैंक भी है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है मन के अंदर, क्या ऐसे पलटू राम नेता को सिरसा की जनता क्या मोदी लहर के अंदर भी जिता देगी? ऐसे में अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि संदीप नोखवाल ने विवादित बयान दे दिया है। मैं यहां पर विवादित बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी पब्लिक क्या सोचती है वो राय जरूर रखूंगा। पब्लिक का यही मानना होता है कि पलटू राम नेता जो कभी कांग्रेस में जा रहे हैं तो कभी बीजेपी में जा रहे हैं, उनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ऐसा पब्लिक कहती है। कुछ लोग तो ये भी कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पर, जब जिक्र किया गया कि सिरसा के लोकसभा सीट अशोक तंवर को दे दी गई है, तो काफी व्यूअर यह भी कमेंट कर रहे हैं कि अशोक तंवर को टिकट देने से पहले मैं बीजेपी को वोट दे देता, लेकिन अशोक तंवर को टिकट मिलने के बाद मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। बोलो भाई, क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ भाई? आपको मोदी को वोट देने हैं तो मोदी को वोट दीजिए, चाहे MP की टिकट किसको मिली। 2019 चुनाव में क्या हुआ था, क्या कोई जानता है? देश के अंदर 40 से लेकर 80 ऐसे सांसद बीजेपी से चुने गए हैं जिनका लोग नाम तक नहीं जानते, लेकिन वोट दिया। मोदी लहर है, आज भी क्या मोदी लहर है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आज मोदी लहर है? मोदी लहर का असर देखा जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी लहर का असर क्यों देखा जा सकता है, मोदी लहर के अंदर नया पार लगाना चाहते हैं अशोक तंवर जैसे नेता, तो सिरसा के अंदर ये, हरियाणा के अंदर ये, लेकिन ऐसे ऐसे नेता पूरे देश भर के अंदर भरे बैठे हैं जो दूसरी पार्टियों को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी उन्हीं को टिकट दे रही है। हिसार से काफी जंग चल रही है, कुलदीप बिश्नोई जी काफी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि 99% चांस है कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई हजंका को अलविदा कहकर वो बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हुए, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे में जनता कहती है कि पलटू राम नेता, वोट बैंक तो काफी अच्छा है, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो चाहे अशोक तंवर हो, लेकिन फिर भी इन नेताओं को लेकर काफी चर्चाएं चलती है कि नेता तो दल बदलू है। इसके बारे में जब चौधरी कुलदीप बिश्नोई से या भाजपा के कुछ नेताओं से पूछा जाता तो वो ये बात कहकर टाल देते हैं कि ये तो विपक्ष है, ये विपक्षी लोग बोलते हैं, वे तो आरोप लगाते ही रहेंगे। आज भी जब हम किसी भाजपा के नेता से पूछेंगे कि सर आपके बारे में तो पब्लिक ऐसा कह रही है अशोक तंवर के बारे में कि ये तो पलटू राम है, हम इनको वोट नहीं देंगे,
तो वो यही कहते नजर आएंगे कि भैया विपक्ष है ये तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। चलो जो भी हो, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि पब्लिक क्या बोलती है। रिजल्ट मोदी लहर के अंदर अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मोदी लहर के अंदर काफी नेता आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी लहर के अंदर उनको टिकट मिल जाए और वो अपनी नैया पार लगा देंगे। पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस की टिकट पर चौधरी भजनलाल जी के पुत्र भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे थे हिसार से, उनके सामने ब्रजेंद्र सिंह थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को पूरा हल्का पूरा एरिया जानता था, लेकिन फिर भी वो जीत गए क्योंकि मोदी लहर थी। आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ नेता कि मोदी लहर के अंदर पार उतर जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि अभी इतने नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी वाली बात मान लीजिए, आप राहुल गांधी भी सही कहते हैं कि किसी को ईडी का डर दिखाया गया तो किसी को सीबीआई का डर दिखाया गया है। हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र के कुछ नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, एमपी की टिकट, हालांकि उनको मिल भी जाएगी टिकट। तो ऐसे में कह सकते हैं कि टोटल 543 सीटों में से 200 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को या उनके परिवार के लोगों को भाजपा टिकट के तौर पर खैरियत में बांट चुकी है। और वो नेता केदावर भी है, यानी उनका अच्छा वोट बैंक भी है, ऊपर से मोदी लहर, यानी जो आंकड़ा बीजेपी पेश कर रही है 400 पार का, वो इसी बदौलत कर रही है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी है जिनका हारना नामुमकिन सा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मनोहर लाल खट्टर जी को मान लीजिए, या हिसार से कुलदीप बिश्नोई को मान लीजिए, अच्छा वोट बैंक भी है, ऊपर से मोदी लहर का असर, यानी मोदी की पॉपुलरिटी का असर, ऊपर से बीजेपी का वोट बैंक अच्छा है, तो ऐसे में हारना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। इसी चीज को बीजेपी भी, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, बीजेपी भी उसी तरह से सोच रही है कि ऊपर से मोदी लहर है, कुछ एरिया में क्या होता है कि ज्यादा प्रेशराइज होता है, कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा की रोहतक सीट का ही आपको एग्जाम्पल दूंगा, दीपेंद्र हुड्डा का यहां पर काफी ऐसा प्रभाव है। यहां पर बीजेपी कौन सा गेम खेल रही है, भाजपा पार्टी चाहती है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो केदावर हो, इसलिए यहां पर या तो रणदीप सिंह हुड्डा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, हुड्डा वर्सेस हुड्डा चुनाव करवाना चाहती है, या दूसरा नाम आ रहा है बाबा बालकनाथ का जो तिजारा की सीट से राजस्थान के अंदर विधायक है। दोनों को ही अगर टिकट मिलते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए चुनाव चैलेंजिंग हो जाएगा, और मैं ये भी मान सकता हूं कि शायद दीपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार 1500 या 2000 वोटों से हारे थे, शायद इस बार भी हार का सामना करना पड़े अगर इन सक्सेस को टिकट मिलती है तो। यही पूरे देश के अंदर बीजेपी ऐसी चालें चल रही है, इसलिए 400 पार माना जा सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं फैक्टर में बात कर रहा हूं ना, तो मैं ओपिनियन पोल बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आखिर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही तो क्यों दे रही है, कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे थे बीजेपी में, क्यों शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि आधी से ज्यादा बीजेपी में दूसरी पार्टियों के नेता घुस चुके हैं और बीजेपी को कुछ नेता ही चला रहे हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो या चाहे किसी दूसरे राज्य की सरकार की बात हो। जब भी कुछ बदलाव की बात होते तो एक ही चर्चा में बात आती है कि केंद्र से पूछेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से कुछ आदमी आएंगे, वही बताएंगे कौन मंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा, यानी केंद्र में बैठे हुए कुछ गिने चुने ही लोग भाजपा पार्टी को चला रहे हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस छोड़कर आप भाजपा में जाएं या टीएमसी छोड़कर आप भाजपा में जाएं, आपको टिकट तो जरूर मिल जाएगा क्योंकि आप अपने एरिया के केदावर नेता होंगे, लेकिन जो चीज चाहिए वो राम भरोसे है। क्योंकि जितना मोदी लहर के बारे में आप सोच रहे हैं, मोदी लहर के अंदर हर किसी को टिकट चाहिए, लेकिन जीतेगा कौन, इस बार मोदी लहर नहीं बल्कि जनता की लहर चलेगी, पब्लिक। कुछ लोग हैं आज भी कहते कि मोदी लहर कायम है, लेकिन जनता कहती है कि इस बार जनता की लहर है, मोदी लहर जा चुकी है। अब इसका असली रिजल्ट तो धरातल पर पता चलेगा, बहुत ही जल्द हम आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर। तो बने रहिएगा 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।